दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 के अधिनियम का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। माननीय महोदय, जब इसको संसद के सामने मेरे साथी नित्यानंद जी ने पेश किया तब थोड़ा शोर शराबा भी हुआ। कुछ मान्यवर सदस्यों ने मुद्दे उठाए थे कि ये विधेयक जो लेकर आए हैं वो ऐसे ही सदन चलाओ तो अच्छा लगता है, लाने का अधिकार नहीं है। संविधान के तहत संसद की कॉम्पिटेंसी पर भी सवाल उठाए गए हैं और दूसरा ये मुद्दा उठाया गया कि ये विधेयक जो लेकर मैं इस सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं वो विधेयक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के भावनाओं के विरुद्ध है। मान्यवर, सबसे पहले मैं यह दोनों चीजों का बहुत डिटेल जवाब देना चाहता हूं क्योंकि उस वक्त जब मैं खड़ा हुआ विपक्ष का मूड सुनने का नहीं था, आज कुछ अच्छा अभी मूड दिखता है। तो मान्यवर, जब तक कॉम्पिटेंसी का सवाल है, प्लीज माननीय मान्यवर, जहां तक कॉम्पिटेंसी का सवाल है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत आता है। अनुच्छेद 239 से 242 तक इसकी कार्यरीति को संविधान में वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 239 के AA में विशेष प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत दिल्ली विधानसभा सहित एक संघ शासित प्रदेश है। तो दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, ना संघ शासित प्रदेश है, ना संघ शासित प्रदेश विथ असेंबली, क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है। इसको ध्यान में रखते हुए 239 AA में इसका एक विशेष प्रावधान संविधान के तहत किया गया है। इसकी डिटेल बात मैं बाद में बताऊंगा। अब कहा कि भारत सरकार को इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, ऐसा विषय कुछ सदस्यों के द्वारा रखा गया। मैं इस सदन का ध्यान अनुच्छेद 239 AA 3B की तरफ दिलाना चाहता हूं। 239 AA 3B बहुत स्पष्ट है, इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिए कुछ सदस्यों ने जिस बात को इंट्रोडक्शन के वक्त यहां उठाने का प्रयास किया था, मेरा दायित्व बनता है, उस वक्त माहौल ठीक नहीं था, तो आज इसका मैं ढंग से जवाब दूं। माननीय कुछ सदस्यों ने यह भी कहा, हाथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रखकर, कि ये सर्वोच्च अदालत के आदेश के उल्लंघन कर इसको लाया गया है। मैं वो सभी सदस्यों को विनंती करना चाहता हूं कि आपने सर्वोच्च अदालत के आदेश का अपने मनपसंद हिस्सा ही पढ़ा है। जब सर्वोच्च अदालत के आदेश को सदन में कोट करते हैं तो संपूर्ण आदेश का अध्ययन होना जरूरी है, उसका दूसरा हिस्सा भी पारदर्शिता के साथ सदन के सामने रखना चाहिए।
खैर जिन्होंने नहीं रखा नहीं रखा, मैं रख देता हूं मान्यवर। मैं स्पष्टता करना चाहता हूं कि यह विधेयक जो है इसमें सर्वोच्च अदालत के निर्णय को जो उन्होंने रिफर किया है उसके पैरा 86, पैरा 95 और विशेष करकर पैरा 164F की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें स्पष्टता से कहा है कि संसद को 239AA के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ये अदालत ने अपने जजमेंट के अंदर बहुत स्पष्ट कर दिया है। माननीय, अब मैं थोड़ा विधेयक पर बात करना चाहूंगा। दिल्ली शासन, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। माननीय, दिल्ली की स्थापना 1911 में अंग्रेजों के शासन के द्वारा महरौली और दिल्ली दो तहसीलों को पंजाब प्रांत से अलग कर बनाई गई। 1919 और 1935 में ब्रिटिश सरकार ने चीफ कमिश्नर प्रोविंस का नोटिफिकेशन किया और दिल्ली को चीफ कमिश्नर प्रोविंस के तहत रखा गया। आजादी के बाद पट्टाभी सीतारमैया समिति ने दिल्ली को राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की। हालांकि जब सिफारिश संविधान सभा के समक्ष आई, मेरा विपक्ष के सदस्यों को विनम्रता से अनुरोध है कि इस बात को जरा गौर से सुनेगा। पट्टाभी सीतारमैया समिति की सिफारिश जब सदन के सामने आई तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमान सरदार पटेल, राजा जी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, किस किस ने विरोध किया था? पंडित नेहरू ने किया था, सरदार पटेल ने किया था, राजा जी ने किया, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया और अंबेडकर जी ने भी इसका विरोध किया था। और उस वक्त पंडित नेहरू जी के एक चर्चा के हिस्से को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। दो साल पहले सदन ने एक समिति सीतारमैया समिति की नियुक्ति की और अब जब रिपोर्ट आया है तब दुनिया बदल गई है, भारत बदल गया है और दिल्ली काफी हद तक बदल गई है। इसलिए दिल्ली में हुए इन परिवर्तनों की परवाह किए बगैर उस समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते और स्वीकार करना वास्तविकता से पूरी तरह मुंह मोड़ लेना होगा। एक समय तो नेहरू जी ने संविधान सभा के सदस्यों को यहां तक कहा कि चूंकि नई दिल्ली में 3/4 संपत्ति केंद्र सरकार की है इसलिए तर्कसंगत यही होगा कि इसको केंद्र के अधीन रखा जाए। बाद में जब अंबेडकर जी ने समापन किया तब उन्होंने कहा, जहां तक दिल्ली का सवाल है हमें ऐसा लगता है कि भारत की राजधानी के रूप में शायद ही किसी स्थानीय प्रशासन को मुक्त अधिकार यहां दिए जा सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो राजधानी के क्षेत्र है इसकी मिसाल भी उन्होंने वहां दी और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक अलग व्यवस्था करनी चाहिए और संविधान सभा में इस पर जोड़ना चाहिए। खैर मैं इसलिए कहता हूं कि आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं ये सिफारिश किसकी थी ये आपको मालूम होना चाहिए, ये पंडित नेहरू की सिफारिश थी। माननीय, मैं उसके बाद में 1991 में सी स्टेट एक्ट के द्वारा दिल्ली को विधानसभा दी गई परंतु 56 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर
दिल्ली की विधानसभा हटाकर उसको संघ राज्य घोषित किया गया। लगभग 3 दशक तक ये व्यवस्था चलती रही। 87 में सरकारिया कमेटी बनी, जो बाद में बालाकृष्णन कमेटी के रूप में जानी गई, और 91 में 69वां संविधान संशोधन किया गया, और इसके बाद दिल्ली राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991, जिसमें मैं आज संशोधन लेकर आया हूं, इसको इस महान सदन ने पारित किया गया। और वही विधेयक के अंदर, संविधान संशोधन के अंदर 239A, जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें इस संसद को राजधानी क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए और किसी भी कार्य के लिए कानून बनाने के लिए संपूर्ण अधिकार संसद को देने का काम किया गया। माननीय, समस्या कहां से समाप्त शुरू हुई? 1993 से व्यवस्था चली आ रही थी। कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कभी कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, कभी ऊपर कांग्रेस का शासन था तब हमारी सरकार थी, तो कभी ऊपर कांग्रेस की सरकार थी तब नीचे हमारा शासन था, मगर कोई झगड़ा नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि किसी की मनसा अधिकार हथियाने की नहीं थी, सेवा करने की। कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा के साथ झगड़ा नहीं किया, भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार के साथ झगड़ा नहीं किया, और बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 1915 में स्थिति बदली, और यहां 2015 में यहां स्थिति बदली, और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। माननीय अध्यक्ष जी, अनेक पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, अनेक पार्टियों की मिलीजुली सरकार रही, शुद्ध रूप से सरकार रही, मगर राष्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। मैं बाद में बात करूंगा क्या दिक्कत है, वो उसकी भी डिटेल बात करूंगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है। विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका सत्य छुपाना है। माननीय वर, उसके बाद में 15 में अचानक ही दिल्ली राज्य सरकार ने एक विषय सर्कुलर निकाला, जिसमें उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार अपने हाथ में लिए। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, हाईकोर्ट का फैसला केंद्र सरकार के पक्ष में आया, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, उसमें खंडित जनादेश आया, फिर संविधान पीठ बनी, संविधान पीठ ने कुछ फैसले कर नीचे फिर से 2 जजों की बेंच को दिया, उसमें भी सहमति नहीं बन पाई, और फिर से संविधान पीठ बनी जिसने अभी अभी फैसला दिया। माननीय वर, वो जो इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरप्रिटेशन उन्होंने कानूनी और मॉरल दृष्टि से नहीं किया। उन्होंने इंटरप्रिटेशन कानून की स्थितियों का करते हुए ये कहा है कि फिर भी दिल्ली देश की संसद को और भारत सरकार को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए हर प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है। वो अधिकार का उपयोग कर एक वटहुकम, एक नोटिफिकेशन निकाला गया, और वो नोटिफिकेशन इसलिए निकालना पड़ा कि संसद उस वक्त काम नहीं कर रही, मतलब संसद बैठी नहीं थी, बैठकें चल नहीं रही, तो नोटिफिकेशन निकला और संसद सत्र के
अनुपस्थिति में जो नोटिफिकेशन निकला इसको मैं यहाँ लेकर आया हूँ, जो आज सदन के चर्चा के लिए मैंने आप सबके सामने रखा है। मेरा सभी पक्ष के सदस्यों से विनंती है कि चुनाव जीतने के लिए, किसी समर्थन हासिल करने के लिए, किसी पक्ष का विधेयक का समर्थन करना या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नया गठबंधन बनाने के, नए गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं, नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं, इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है, दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो, मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, एलायंस की मत सोचिए, एलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। एलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये एलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए, जनता सब देख रही है। एलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो, एलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो कि जनता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा, जनता का विश्वास आपको मिला था, मगर जिस तरह से 10 साल यूपीए ने शासन चलाया, 12 लाख करोड़ के गपले घोटाले करे, इसलिए आज वहां बैठे। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार के गपले घोटाले भ्रष्टाचार को प्रचिन्न रूप से एलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो, पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा। माननीय, मैंने ये सदन के सामने रखा है बिल को, मेरा सभी से निवेदन है कि एलायंस के मद्देनजर इस पर अपना अभिप्राय न करे, देश के और राजधानी क्षेत्र के भले के लिए न्यूट्रलिटी से बात करे। और वैसे भी मैं बता देता हूं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी वालों को, कि ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है, तो जो सच है वो करिए। इतना अपील करके मेरी बात को समाप्त करें। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।